हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी ब्लॉग शुरू करते करते काफ़ी देर हो गई। आज है संडे और बच्चों की छुट्टी है, तो उस वजह से लेट उठना और सारी बातें लेट होना, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो गया है, ऑफिस, घर, किचन और ब्रेकफास्ट भी हो गया। सुबह अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लंच। आज लंच में मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसे डांस करना बहुत पसंद है और इन्हें ये बजाना। नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितनी भी देर हो जाए हमेशा नहाने में देरी हो जाती है। अभी नहाता हूँ मैं, 2 घंटे के अंदर नहाता। अभी नहाऊंगा, थोड़ी देर में नहाऊंगा, ऐसे ही चलता रहता है दिन भर दोनों भी। सही है, सही है, सही है भाई, सही है। ये मेरे गार्डन का सीडलेस नींबू का प्लांट है जो मैं 6 महीने पहले नर्सरी से ले आई थी। काफ़ी छोटा था तब, इसमें एक भी कली नहीं थी। और आप देख सकते हैं 6 महीने के बाद इसकी ग्रोथ कैसे चल रही है। कुछ दिन पहले इसमें कलियां आनी स्टार्ट हो गई थी, कुछ झड़ भी गई। उसके बाद दूसरी बार ये फ्लावरिंग पे आया, मतलब पहले जब आया था तो उसमें एक भी नींबू नहीं लगा था। तो दूसरी बार जब ये फ्लावरिंग पे आया तो कुछ फल आने लगने शुरू हो गए और काफ़ी बड़े नींबू इसमें लग चुके हैं। पत्तों पे शायद कुछ डिजीज़ है, वाइट वाइट स्पॉट्स जो दिख रहे हैं आपको। ये इसमें तकरीबन 13 से 14 नींबू लग चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। ये सीडलेस है, इसमें एक भी सीड नहीं है, मतलब आप जब इसे काटेंगे तो इसमें सीड नहीं निकलता। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ काफ़ी बड़े हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। और जब इन्हें काटते हैं तो इनकी जो स्किन होती है, मतलब इसकी जो छाल, क्या बोलते हैं हम उसे, स्किन जो होती है, काफ़ी मोटी होती है। उस वजह से इसका जो जूस है वो थोड़ा कम निकलता है। किसी दिन मैं आपको काट के भी दिखा दूंगी। काफी छोटा पौधा है ये। फूगी सांप ले, तो ले ले थोड़े रह ले। हाँ। कुछ है इतना लपुन तो ले, लपुन ले ले सर। कुनी देखिएगा क्या लपो होता है। कुनी कुनी लपो ले दो माउनी का पता ही नहीं। तुला कस काय माहिती लपोले? अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैंने एडिटिंग भी कर ली। आई होप आप सब ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।